तो गोला का जनादेश काफी हद तक भगवा दिखाई दे रहा है, आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं जब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, क्योंकि हमारे दो सहयोगी लगातार आपको रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से गोला गोकर्ण नाथ उपचुनाव में काउंटिंग के पहले, काउंटिंग के वक्त और अब जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ये खास तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। देखिए गोला पर मतगणना जारी है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप सुरक्षा के कड़े इंतजाम, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का काम चल रहा है, इसीलिए बताया जा सकता है कि सभी चीजें अपनी जगह पर हैं, दुरुस्त हैं। इसके अलावा भगवान के दर पर प्रत्याशी नजर आए थे, जब ये काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी तब दोनों ही प्रत्याशी गोकर्णनाथ मंदिर पहुंच करके भगवान भोले का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए थे। लेकिन आशीर्वाद जो आप आखिरी तस्वीर देख रहे हैं किसे मिली, वो अमनगिरी भी दिखाई दे रहे हैं और विनय तिवारी भी दिखाई दे रहे हैं। आंकड़े तो बता रहे हैं कि जनता और गोकर्णनाथ का आशीर्वाद फिलहाल अमनगिरी को मिलता दिखाई दे रहा है। और हमारे तमाम अपडेट के लिए दो सहयोगी बने हुए हैं, रतीश हैं और नवीन हैं। अंदर से बाहर तक काउंटिंग सेंटर के उनकी नजर बड़ी पैनी बनी हुई है। रतीश का रुख करेंगे, रतीश नवीन से कुछ अपडेट आ रही है, भीतर से कुछ अपडेट आ रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल अपडेट आ गया है, और अपडेट आपको बता दूं कि 27वें राउंड की गिनती सीधे आई है और 32,000 वोटों से आगे हैं। आपको बता दें कि 27 राउंड हो चुके हैं, 32 राउंड की काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है, और 27 राउंड के बाद 32,000 हो गई है लीड। अभी हम बता रहे थे कि 23 राउंड के बाद 29,000 की लीड थी, लेकिन ये 3,000 और बढ़ गई है और राउंड भी बढ़ गए हैं। 23 से सीधे 27 राउंड का नतीजा निकल करके सामने आया है, जिसमें 32,000 की लीड बना ली है बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी ने और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं विनय तिवारी पर। तो अब ये निर्णायक कही जा सकती है, क्योंकि 27 राउंड में 32,000 की लीड बहुत बड़ी लीड होती है, और पिछली बार इनके पिता अरविंद गिरी जब चुनाव जीते थे तो 29,000 से ज़्यादा से वोटों से चुनाव जीते थे, यानी अपने पिता के रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर लिया है जो अमन गिरी हैं उन्होंने। और अगर बात की जाए वोट्स के कितने मिले हैं, तो 24 राउंड तक का जो डेटा हमारे पास है वो अमन गिरी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको 94,329 वोट मिले हैं, और समाजवादी पार्टी के जो विनय तिवारी हैं उनको 65,529 वोट मिले हैं। तो अंतर साफ तौर पर देखा जा रहा है, 28-30,000 का अंतर है, लेकिन जो 27वां राउंड हुआ उसके बाद 32,000 की लीड हो चुकी है, 5 राउंड और शेष हैं। अब उसमें देखना होगा कितनी लीड और ज़्यादा आगे बढ़ती है, घटती हुई तो फिलहाल नहीं दिख रही, लीड लगातार बढ़ रही है। किसी भी राउंड में ऐसा देखने को नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती समाजवादी पार्टी ने पेश की हो लीड के मामले में अगर बात की जाए, लेकिन कॉन्टेस्ट 28 से 30,000 का जो डिफरेंस आ गया है, 32,000 का जो डिफरेंस आया है, उसको अब 5 राउंड में पाट पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। यानी बीजेपी की अब ये निर्णायक बढ़त कही जा सकती है, और बीजेपी ने जो अपना सर्वस्व झोंका था उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका नतीजा अब साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा हलचल अंदर नहीं दिखती, लेकिन हलचल राउंड्स में हो रही है, जो राउंड जो काउंटिंग हो रही है उसमें सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर प्रबंध लगातार बने हुए हैं। विनय तिवारी जो आपसे कुछ देर पहले हमको दिख रहे थे वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि अब ऐसी जीत निर्णायक लीड उनके प्रतिद्वंदी ने ले ली है, यानी अमन गिरी ने ले ली है। कुछ समर्थक घिरे हुए जरूर दिख रहे हैं, जो एजेंट हैं अंदर वो ज़रूर हम दूर से देख पा रहे हैं, हमारी सीमा यहीं तक जाने की है, लेकिन अंदर हलचल ज़्यादा दिखती नहीं। कोई बीजेपी के समर्थक या समाजवादी पार्टी के समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, हालांकि बीजेपी का खेमा खुश जरूर है, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ की सीट उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। सत्ता पक्ष ने बड़ी ही ये कहा जाए गंभीरता से इस चुनाव को लिया, इसीलिए इस तरीके का नतीजा दिख रहा है। हालांकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पैटर्न देखने को ये रहता है कि शीर्षस्थ नेता जमीन पर उतर करके प्रचार करने नहीं आते, जैसा कि रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में देखा गया था, और इन चुनाव में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं उतरे, हालांकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल को जरूर भेजा था। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे एक बार फिर से सत्ता पक्ष की ओर जाते हुए और बीजेपी को सुखद एहसास जरूर कराने वाले हैं। जी बिल्कुल रतीश, आप नजर बना करके रखिएगा, और जैसे जैसे अब बस निर्णायक 5 राउंड बचे हैं, अब इंतजार रहेगी औपचारिकताओं की, और औपचारिकताओं के साथ तस्वीर कैसे बदलती है गोला गोकर्णनाथ सीट पर, उस पर हमारी निगाहें टिकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।